हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नीता और आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सिंथेसिस रिपर्टरी में कैसे रिपर्टराइज करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये सिंथेसिस ऐप का आइकॉन है, ठीक है, तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो ये है, ये चैप्टर्स का दिया गया है ना, देख रहे हो क्या? सेकेंड चीज़ ना, यहाँ पर जस्ट हमने रिपर्टरीज दी हैं, तो जब हम कुछ भी रिपर्टराई करेंगे ये पूरी रिपर्टरी आ जाती है, ठीक है। यहाँ से हम रिपर्टरी के पेजेस शिफ्ट कर सकते हैं। थर्ड वन, यहाँ पर ऑथर्स के बारे में दिया गया है, जैसे मॉर्निंग्स में है ना, तो ये सब के बारे में है कि कितना क्या क्या सिम्टम्स है, मॉर्निंग इवनिंग ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद ये सर्च का ऑप्शन है, इसमें हम कुछ भी डाल के जब सर्च करते हैं तो हमें वो बहुत ईजीली फास्ट मिल जाता है, ठीक है। दो तरीके, एक तो आप ये चैप्टर जो लिखा है ना इसके थ्रू जाओ, ठीक है, अपन ये चैप्टर पे गए, फिर माइंड सेक्शन में गए, फिर हमें जो भी रूब्रिक चाहिए है हम वो रूब्रिक यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो वो रूब्रिक यहाँ पर हमें लिखने से, जैसे हम जो भी रूब्रिक यहाँ लिखना चाहते हैं है ना, यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पर सर्च होके आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पर एंजाइटी फैमिली अमाउंट लिखना है, मुझे एंजाइटी लिखा, अब मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ फैमिली, फैमिली के बारे में किसी बंदे को एंजाइटी, ठीक है। तो मैंने ये रूब्रिक पे गए, हमने इसको टच किया, ठीक है। अब हम इस पे जाएंगे, ये देखो ये आ गया, ऐड बुकमार्क या ऐड टू क्लिपबोर्ड, तो हमें इसको क्लिपबोर्ड में लेना है, ठीक है। जब हम ये देखो, फिर से बता रही हूँ है ना, तो ये यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं और यही वाले ऑप्शन से ऐड करते हैं क्लिपबोर्ड में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ना रिपर्टरी में वो हो जाता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे दिखाती हूँ मैं, देखो ये क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, ये क्लिपबोर्ड है, तो चलो अब हम इसके अंदर जाते हैं। ये क्लिपबोर्ड छुआ, देखो अब आ गया ना यहाँ पर रिपर्टोरियल शीट में चला गया ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रूब्रिक पे चलते हैं, तो फिर हम चैप्टर्स में जाएंगे या फिर हम यहाँ के थ्रू जाएंगे या फिर हम सर्च कर सकते हैं। अब जैसे मुझे प्रोफाइलिंग रूब्रिक लेना है, ये मैंने लिख लिया, अब मैं इसको यहाँ पर ये ऑप्शन है ना सर्च का, इसको प्रेस करूँगी, ये देखो प्रोफाइलिंग आ गया, अब मैंने ये खोला, अब मेरे को इसको ऐड करना है, तो ये मैं इस पे गई, मैंने इसको एक क्लिक किया है और ऐड टू क्लिपबोर्ड ये लिखा है ना, इस पे चले गए, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे क्लिपबोर्ड में ऐड हो गया, ये माइंड के हमने दो सिम्टम ऐड कर लिए। अब जैसे मुझे नेक्स्ट रूब्रिक चाहिए है ना, तो ये मैं यहाँ से चैप्टर वाइज भी जा सकती हूँ जैसे मुझे चाहिए है, या फिर मैं सर्च ऑप्शन में जाती हूँ, सर्च ऑप्शन में हमें आसानी से मिल जाता है, ठीक है। अब मुझे चाहिए, हमने फ्राइटफुल ड्रीम्स लिया, ये देखो हमारे पास इतने सारे रूब्रिक्स हैं, देख सकते हो, तो हम इससे रूब्रिक स्टडी भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मुझे यही चाहिए था, ड्रीम्स फ्राइटफुल, ओके, मैंने इसको ऐड टू क्लिपबोर्ड किया। अब हम चलेंगे ये क्लिपबोर्ड की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम चले क्लिपबोर्ड की तरफ, ये देखो हमारा मेडिसिन आ गया, ये ड्रीम्स लिया हमने, माइंड सिम्टम्स लिए, तो जहाँ से हमने जो रूब्रिक उठाया है वो आ गया और हमारा मेडिसिन यहाँ पर निकल आया है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये बता रहा है कि कितने सिम्टम्स हैं है ना, और ये उनकी डिग्री कितने मार्क्स ले रही है, वो थ्री मार्क्स की है, टू मार्क्स की, वन मार्क्स की है, ठीक है, कवर जितना कर रहा होता है। तो ये हमें बहुत ईजी पड़ जाता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये क्लिपबोर्ड लिस्ट, ठीक है, तो इसके थ्रू ना हम इसमें जा सकते हैं। देखो ये हम इसके अंदर गए, हम इसके अंदर ना किसी के नाम की भी क्लिपबोर्ड बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर ये जो भी बनाया है ना सिम्टम, ये न्यू क्लिपबोर्ड में जाके हम किसी का नाम एंटर कर सकते हैं, जो भी आपके पेशेंट हैं, पेशेंट का आपने नाम ही एंटर किया और ये क्लिपबोर्ड यहाँ पर बन गया। अब आप इसके अंदर जाओगे और आपको जो भी सिम्टम्स लेना है वो आप ले सकते हो, और जब भी आपको देखना हो ये क्लिपबोर्ड लिस्ट में जाके आप अपने उसके हिसाब से जो भी आपने रूब्रिक लिया था वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ईजी हो जाता है। होप आपको समझ में आ गया होगा सिंथेसिस में हम कैसे रिपर्टराइज करते हैं, और ये एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने सोचा और भी लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो सिंथेसिस नई ओपन की है, उन्होंने नहीं चलाते बंदा है। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा एंड और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।